जंगलात डिपार्टमेंट, जंगलात डिपार्टमेंट और एंड डिपार्टमेंट। देखो ये एक ब्रिज मनकोट एरिया में बना है, इसका लिंक किसी साइड में ना थमलोट टाई नार मनकोट सागरा दबराज किसी साइड में लिंक कोई नहीं है, रोड का लिंक। देखो पिछली बार शेलिंग हुई, हमारी कितनियाँ बहनें माएँ जख्मी हुई, 10-10 किलोमीटर पैदल ले के वहाँ से आए मेंढर पहुँचने तक उनका कितनी उनको कितनी ब्लीडिंग हो गई। उसके बाद यहाँ के कितने मसले डिलीवरी के हैं, जो 10-10, 15-15 किलोमीटर लेके पैदल लेके आते हैं तो रास्ते में डेथ हो जाती है। बाकी ये 300 या 250 मीटर कोई मसला नहीं है, ना ही इसमें कोई फॉरेस्ट का इतना वो बड़ा जंगल आता है जिससे करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट का नुकसान होता है। गरीब लोग हैं यहाँ बॉर्डर एरिया में रहते हैं, शेलिंग से कितने नुकसान होते हैं, जानी नुकसान होते हैं, माली नुकसान होते हैं, इनका गुजारा इसी चीज़ पर है, अपने माल मवेशी पर। हम यही डिमांड करेंगे इस 250 मीटर को और इस 50 मीटर रोड को लिंक किया जाए। क्योंकि हमारा ये 13 करोड़ का जो है पुल बन चुका है और इसका के 250 मीटर रोड जो है वो जंगल इसमें पड़ता है, और वो जबकि ऑलरेडी यहाँ ट्रैक्टर रोड भी है और 2009 से लेकर 2019 तक उसकी 250 मीटर रोड जो है वो कनेक्ट नहीं की जा रही है, और इसलिए हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप जानते ही हैं जनाब के हमारे नार मनकोट जो है गाँव, इसमें बार बार शेलिंग होती है और हमारे लोग कितने जख्मी हो, कितने मर्द औरतें और जख्मी हुए हैं, और हमें इतनी मुश्किल होती है कि हम 10 किलोमीटर पैदल चल के इस पुल को पार करके जहाँ जो है वो हमने चारपाई बैठा के लोगों को ले जाते हैं, और बहुत ही मुश्किल होती है और हमें बहुत ही तकलीफ उठानी पड़ती है लोगों को। ये इनकी जो डिमांड है मैं डिप्टी कमिश्नर साहब के नोट्स में लूँगा, SDM साहब को भी भेजूँगा। जैसा कि सुनने में आया कि इनकी फाइल जो है वो सेक्रेट में है, बेसिकली ये फॉरेस्ट लैंड है, तो पहले भी डिप्टी कमिश्नर साहब ने इनको ये एश्योरेंस दिलाया था कि मैं टेकअप करूंगा ये मसला प्रायोरिटी बेसिस पर, जो ही क्लियरेंस वहां से मिलती है मैं रोड का काम स्टार्ट कर दूंगा। साहब भी दोस्तों क्योंकि साहब साहब स्पेशल में क्यों आ गया कि 2012 में